Today we are going to discuss about bandages. Bandages is a process of covering a wound or injured part using various materials such as gauze, elasticized flannel or muslin. The bandage kya hota hai? Bandage ek process hai jisme hum wound ya injured part ko cover karte hain. Gauze se karte hain, muslin se karte hain ya phir elasticized flannel se karte hain. Purposes kya hai bandages ke? To support the wound, to immobilize a fracture or dislocation, to immobilize an injured part so as to relieve pain, to prevent contamination of wound, to control hemorrhage and to improve venous blood flow from lower extremities by applying pressure, to secure a dressing, to maintain splints in position, to retain warmth, example flannel bandage on a rheumatoid joint, to prevent or reduce swelling. तो सिर्फ एक wound को cover करना ही इसका purpose नहीं होता. Wound को support करना, fracture को immobilize करना, immobilize the injured part to relieve pain, contamination से रोकना, wound contaminate ना हो, bacterial contamination ना हो, इससे रोकना, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना. बैंडेज हम इसलिए भी करते हैं ताकि वो जो एरिया है वो टाइटली बैंड हो जाए और ब्लीडिंग ना हो उस एरिया में. फिर ड्रेसिंग करने के लिए, टू सिक्योर अ ड्रेसिंग, और स्प्लिंट्स को पोजीशन में रखने के लिए. स्प्लिंट्स क्या होते हैं? जब भी कोई एरिया फ्रैक्चर होता है तो हम वहाँ पर एक सपोर्ट सा लगा देते हैं ताकि उस एरिया में एक सपोर्ट बना रहे. उस सपोर्ट को हम बोलते हैं स्प्लिंट. जैसे कि हेल लाइन फ्रैक्चर है फिंगर्स में, तो फिंगर्स में हम स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो फिंगर्स मूव ना करे और वहाँ पे सपोर्ट भी बना रहे. तो वो सपोर्ट के लिए जो हम एक कार्डबोर्ड टाइप होता है वो स्प्लिंट, उसको प्लेस में रखने के लिए भी हम बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हैं. टू रिटेन वॉर्म्थ. अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेशेंट को जॉइंट पेन होता है, तो जॉइंट पेन के लिए हम फ्लैनल बैंडेज इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पर गर्माहट बनी रहे और गर्माहट से उनको रिलीफ हो. टू प्रिवेंट और रिड्यूस स्वेलिंग, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए या स्वेलिंग ना हो इसके लिए भी हम बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हैं. अब बैंडेजेस अलग अलग टाइप के होते हैं. एक तो रोलर बैंडेज होता है जो नॉर्मली हम देखते हैं, और दूसरा होता है ट्रायंगुलर बैंडेज. मैंने आपको वीडियो भेजा है ट्रायंगुलर बैंडेज का. ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये हम घर में भी बना सकते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज. एक सही साफ सा कपड़ा लेकर जो कंटामिनेटेड ना हो, क्लीन हो, वॉश्ड हो, और उसका हम ट्रायंगुलर बैंडेज बना सकते हैं. वो स्क्वायर में होना चाहिए. स्क्वायर को हम जब फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से तो वो एक ट्रायंगुलर बैंडेज बन जाएगा. फिर है स्पेशल बैंडेज. स्पेशल बैंडेजेस में आते हैं मैनी टेल्ड बैंडेज और टी बैंडेज. टी बैंडेज हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं जब हमें टेस्टिकुलर बैंडेजेस करना हो. टेस्टिकुलर बैंडेजेस मतलब जब जो मेल पेशेंट्स है जब उनके टेस्टीज को बैंडेज करना हो तो तब हम टी बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हैं. ये बहुत ही कम केसेस में हमें दिखाई देता है. जैसे जब कोई टेस्टीज की परेशानी होती है, जब स्कॉटम की परेशानियाँ होती है, जैसे कि हाइड्रोसील वगैरह हो गया, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, तो तब हम टी बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हैं. अब जो रोलर बैंडेजेस होते हैं वो अलग अलग साइजेस के आते हैं और बॉडी पार्ट के हिसाब से हमें अलग साइजेस के बैंडेजेस का इस्तेमाल करना है. फिंगर में हम 1 इंच रोलर बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. आर्म्स में 2 to 2.5 इंच का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेग्स में 3 to 3.5 इंच का. ट्रंक मतलब हमारा एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन या चेस्ट, इन सब में हम 4 to 6 इंच का बैंडेज इस्तेमाल कर सकते हैं. हेड में 2 इंचेस का बैंडेज इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा हमें बैंडेजेस के अलावा हमें सीजर्स की ज़रूरत होती है, सेफ्टी पिन या एडिसिव स्ट्रिप्स की ज़रूरत होती है, और पैडिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है. पैडिंग मटेरियल इसलिए ताकि अगर कोई एक तो सपोर्ट करने के लिए इंजर्ड एरिया को, और अगर वहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वो जो पैडिंग मटेरियल वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और बैंडेजेस तक ड्रेसिंग तक
ब्लीडिंग ना हो और जल्दी से ड्रेसिंग ख़राब ना हो, इसलिए हमें पैडिंग मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग, तो बैंडेजिंग के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? यूज़ अ टाइटली रोल्ड बैंडेज ऑफ करेक्ट विथ। अब हमें एक सही विथ का बैंडेज इस्तेमाल करना है बॉडी पार्ट के हिसाब से, 1 इंच 2 इंच 2.5 इंच 4 इंच, वो बॉडी पार्ट के हिसाब से हमें देखना है और टाइटली रोल करना है बैंडेजेस को। सपोर्ट द पार्ट टू बी बैंडेज्ड थ्रू आउट द प्रोसीजर, तो जो पार्ट को हम बैंडेज कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना है। ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट एक्सेप्ट व्हेन अप्लाइंग अ केपलाइन बैंडेज। केपलाइन बैंडेज हमारा सर का बैंडेज होता है, तो इसमें कहते हैं कि पीछे खड़े हो, वरना हर बैंडेजेस के लिए हम आगे खड़े हो सकते हैं। बैंडेज अ लिम्ब इन पोजीशन इन विच इट इज़ टू रिमेन, और जिस पोजीशन में आप चाहते हो कि हाथ या पैर या जो भी बॉडी पार्ट है वो रहना चाहिए, उसी पोजीशन में आप उसको बैंडेज करोगे। फोरआर्म एंड हैंड शुड बी प्रोन, तो फोरआर्म और हैंड क्या होने चाहिए? प्रोन पोजीशन में होने चाहिए। होल्ड द बैंडेज विद द हेड ऑफ द रोल अपर मोस्ट एंड अप्लाई द आउटर सर्फिस ऑफ द बैंडेज टू द पार्ट, नेवर अनरोल मोर देन अ फ्यू इंचेस ऑफ द बैंडेज एट अ टाइम। तो हेड ऑफ द रोल, हेड ऑफ द रोल अपर मोस्ट का मतलब है कि जो रोल होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि हम उसको सही से अनरोल कर सकें, अनरोल करने में आसानी हो। जो रोल होता है वो बाहर की तरफ होगा तो हम उसको इजीली अनरोल कर पाएंगे, और ज़्यादा अनरोल नहीं करना है, थोड़े बहुत इंचेज ही अनरोल करना है एट अ टाइम। अप्लाई बैंडेज फ्रॉम मीडियल आउटवर्ड्स एंड फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। जो वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं उसमें आप देखना कि रोल किस तरीके से उन्होंने पकड़ रखा है और फिर कैसे रोल किया है। हमेशा आउटर अपर जो पार्ट है, रोल का जो पार्ट है, वो जो हेड ऑफ द रोल है वो अपर मोस्ट साइड आउटर सर्फेस में होना चाहिए। अप्लाई बैंडेज फ्रॉम मीडियल आउटवर्ड्स एंड फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, तो बैंडेजेस को हमेशा हम मीडियल आउटवर्ड से लेंगे और बिलो अपवर्ड तक जाएंगे। मेंटेनिंग इवन प्रेशर थ्रू आउट, एक सा प्रेशर होना चाहिए हर जगह पर, ये नहीं कहीं से टाइट है कहीं से लूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए बैंडेजेस। देन Begin the bandage with firm turn to fix it and allow each successive turn to cover 2/3 of the previous one with the first edges, with the free edges lying parallel. तो जब हम बैंडेज करते हैं तो पहले दो तो हमें सर्कुलर बैंडेजेस करने हैं, पहले दो में हमें एक के ऊपर एक को रोल करना है ताकि हम उस एरिया को अच्छे से कवर कर सकें, मतलब वो बैंडेज जो है हिले ना। पहला एक सर्कल करेंगे, फिर दूसरा जो सर्कल होगा वो एकदम उसी बैंडेज के ऊपर होगा, फिर उसके बाद वाले जो हम टर्न्स लेंगे वो 2/3 ऑफ द प्रीवियस वन पे होगा। उसके बाद वाला जो टर्न होगा वो थोड़ा सा पिछले वाले पे होगा और थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा, दूसरी जगह पे होगा। हाथ, जैसे हम हाथ पे बैंडेज कर रहे हैं तो हाथ पे रिस्ट में हमें दो बार बैंडेज को सर्कुलर टर्न में टर्न करना है, सर्कुलरली टर्न करना है। उसके बाद, क्योंकि जब हमें पूरा हाथ कवर करना है तो पहले हम रिस्ट में दो बार करेंगे सर्कुलर टर्न, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेकर जाएंगे, तो जो प्रीवियस टर्न्स है उस पर 2/3 ही आना चाहिए बस। Make any reverse or crossing line on the outer side of the limb except when this brings the bandage over a wound of bony prominence, in which case it must be on the front of the limb. तो अगर आप कोई crossing line या reverse करना चाहते हो तो आप लिम्ब पे कर सकते हो, लेकिन अगर कोई वूंड पे आ रहा है तो वहाँ पे आप क्रॉस लाइन या रिवर्स नहीं कर सकते।
pat the axilla or groin when bandaging these parts so the two surfaces of the skin do not touch each other beneath the bandage. तो जब हम इस पार्ट में बैंडेजिंग कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पैडिंग करेंगे यहाँ पर गॉज पीसेस से, ताकि दो सर्फेसिस ऑफ द स्किन डू नॉट टच बीनीथ द बैंडेजेस. देन फिनिश ऑफ विद द स्ट्रेट टर्न अबव द पार्ट, होल्ड द एंड एंड फासन विद द सेफ्टी पिन. जब हम ख़त्म कर रहे हैं तो तब भी हमें स्ट्रेट टर्न्स लेने हैं. स्ट्रेट टर्न्स मतलब जैसे दो सर्कुलर टर्न्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे, वैसे ही दो सर्कुलर टर्न्स हमें एंड तक भी लेने हैं, एंड में भी लेने हैं. उसके बाद ही सेफ्टी पिन या फिर कोई भी टेप वगैरह आप लगा सकते हो. सर्कुलर टर्न, अब सर्कुलर टर्न बैंडेज नॉर्मल जैसे सर्कुलर टर्न्स करते हैं वैसे ही करना है. अब यूज चीफली टू एंकर बैंडेजेस और बैंडेज सर्टेन एरिया सच एज प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट्स ऑफ अ फिंगर और अ व्रिस्ट. तो व्रिस्ट को बैंडेज करने के लिए हम सर्कुलर टर्न्स का इस्तेमाल करते हैं. सर्कुलर टर्न्स अप्लाई द एंड ऑफ द बैंडेज टू द पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी बैंडेज्ड. Encircle the body part a few times or as close as needed, each turn directly covering the previous turn. तो circular turns में हम क्या करते हैं, हर turn को उसी bandage के ऊपर रखते हैं. जो पिछला जो bandage हमने किया था उसी bandage के ऊपर हर turn को रखते हैं, that is circular turns. Secure the end of the bandage with tape, metal clips or a safety pin over an uninjured area. जब आप एक बार वीडियो देखोगे और फिर इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा what is circular turn, circular bandage, what is simple spiral turn. Simple spiral turn में हम क्या करते हैं कि these are पहले ये किस में यूज़ होते हैं, these are used to bandage the parts of the body that are fairly uniform in circumference such as the upper arm or upper leg. तो हम ये जो स्पायरल टर्न और सिंपल स्पायरल टर्न्स उन जगहों के लिए करते हैं जो एक से हो सर्कमफ्रेंस में, जो सर्कमफ्रेंस में एक से हो. जैसे हमारा जो अपर आर्म होता है वो सर्कमफ्रेंस में तब भी एक सा होता है, लेकिन लोअर आर्म क्या होता है, सर्कमफ्रेंस में बढ़ता जाता है. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आर्म का सर्कमफ्रेंस बढ़ता जाता है. तो हम अपर आर्म के लिए और अपर लेग के लिए हम सिंपल स्पायरल यूज़ कर सकते हैं. इसमें पहले हम दो सर्कुलर टर्न्स लेंगे टू एंकर द बैंडेज, उसके बाद सर्कुलर टर्न्स लेने के बाद हम स्पाइरल टर्न्स लेंगे. स्पाइरल टर्न्स में हर बैंडेज को जो पिछला बैंडेज है उससे 2/3 में ओवरलैप होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए इसमें. एंड एंड द बैंडेज विद टू सर्कुलर टर्न्स, और जब हम एंड कर रहे हैं अगेन इट शुड एंड विद द टू सर्कुलर टर्न्स. So this is what is spiral turn or simple spiral. फिर simple reverse में, spiral reverse में हम क्या करते हैं, ये हम उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे एक सा circumference नहीं होता, जैसे कि lower leg और lower forearm, यहाँ पे एक सा circumference नहीं होता, तो इसलिए हम इसको spiral reverse turn को करते हैं. टू सर्कुलर टर्न्स करेंगे स्टार्टिंग में टू एंकर द बैंडेज, और उसके बाद एंड ब्रिंग द बैंडेज अपवर्ड एट अबाउट 30 degrees एंकल. प्लेस द थंब ऑफ द फ्री हैंड ऑन द अपर एज ऑफ द बैंडेज, अनरोल द बैंडेज अराउंड द 15 centimeters, टर्न द हैंड सो दैट द बैंडेज फॉल्स ओवर इट्सेल्फ. तो इसमें हमें रिवर्स करना है स्पाइरल्स को, वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पाइरल्स को रिवर्स कैसे करते हैं. और एंड में भी हमें टू सर्कुलर टर्न्स देकर फिर सिक्योर करना है. एक बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिवर्स स्पाइरल कैसे करते हैं. स्पाइका क्या होता है, स्पाइका इज़ अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट. फिगर ऑफ एट एक तरीके का बैंडेज है, मैं आपको बताती हूँ अभी आगे. इन विच वन टर्न इज़ वेरी मच लार्जर देन द अदर, इट इज़ यूज्ड एट जॉइंट्स एट राइट एंगल्स टू द बॉडी, एग्जाम्पल शोल्डर, ग्रोइन एंड थंब.
फिगर ऑफ एट एल्बो बैंडेज, जो फिगर ऑफ एट बैंडेज होता है वो हम एल्बो, नी, एंकल इन जगहों पे कर सकते हैं फिगर ऑफ एट बैंडेज। और इसमें हम क्या करते हैं, बेंड द एल्बो एट राइट एंगल, ले द आउटर साइड ऑफ द बैंडेज ऑन द इनर साइड ऑफ द जॉइंट एंड टेक टू स्ट्रेट टर्न्स कैरिंग द बैंडेज ओवर द एल्बो टिप एंड अराउंड द एल्बो। पहले दो सर्कुलर स्ट्रेट टर्न्स लेंगे हम एल्बो पर, उसके बाद मेक अ सेकेंड टर्न टू एनसर्कल द फोर आर्म एंड द अपर आर्म, फिर उसके बाद हम नीचे फोर आर्म की तरफ आएंगे, फिर फोर आर्म से हम ऊपर अपर आर्म की तरफ जाएंगे। पहले तो हमने एल्बो को टर्न, एल्बो पे दो सर्कुलर टर्न्स करे, उसके बाद नीचे फोर आर्म पर आ गए, फिर ऊपर अपर आर्म पर गए, फिर अपर आर्म से नीचे अगेन फोर आर्म पे आना है, फिर अपर आर्म पे जाना है, ऐसे करके करना है। एनश्योर द फर्स्ट टर्न इज कवर्ड 1/3 ऑफ द विथ ऑफ द बैंडेज बिलो एंड अबव, और हर टर्न 1/3 ऑफ द विथ कवर होना चाहिए प्रीवियस टर्न से। कंटिन्यूइंग बैंडेजिंग covering 2/3 of the previous turn until the entire dressing is secured. Complete bandage by taking 2 circular turns above and secure it with a safety pin or a tape. अब जब end करेंगे तो again हमें 2 circular turns लेने हैं। नी बैंडेज भी एकदम उसी की तरह ही करते हैं जैसे हम एल्बो बैंडेज करते हैं। केपलिन कैपलाइन बैंडेज, कैपलाइन बैंडेज या फिर हेड बैंडेज, इसमें दिस बैंडेज इज समटाइम्स यूज व्हेन द होल स्कैल्प इज टू बी कवर्ड, जब हमें पूरे स्कैल्प को, पूरे सर को कवर करना है तो तब हम कैपलाइन बैंडेज यूज करते हैं। अ डबल हेडेड रोलर बैंडेज इज यूज, तो इसमें हम डबल रोलर बैंडेज यूज करते हैं। पोजिशन द पेशेंट टू सिट ऑन अ स्टूल और चेयर एंड स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। अब बुक्स में लिखा है कि स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, लेकिन जो वीडियो मैंने आपको भेजा है उसमें जो डॉक्टर है वो इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट खड़ा है। सो इफ इट इज पॉसिबल टू स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट यू स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, अदरवाइज यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, बट इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट इफ यू स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। देन प्लेस द सेंटर ऑफ द आउटर सर्फेस ऑफ द बैंडेज इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, द लोअर बॉर्डर ऑफ द बैंडेज लाइन जस्ट अबव द आईब्रोज, तो आईब्रोज के ऊपर होना चाहिए बैंडेज, जस्ट above the eyebrows. Bring the head of the bandage around over the temples and above the ears to nape of the neck when the ends are crossed. Bring the upper bandage around the head and other head of the bandage over the center of the top of the scalp and then to the root of the nose. Bring the bandage which circles the victim's head over the forehead, covering and fixing the bandage which crosses the scalp. This bandage is then brought back over the scalp. Ensure that each turn of the bandage covers 2/3 of the previous turn. Cross it again at the back and fix it using encircling bandage and turn back over the scalp to the opposite side at the central line. Now covering the other margins of its original turns. Repeat the backward and forward turns to alternate sides of the center, each one being in turn fixed by the encircling bandage until the whole scalp is covered. End the bandaging by taking 2 circular turns around the head. Secure it with adhesive tape or pin over the forehead. This you will understand only when you see the video, because it is complicated and I cannot explain like this. Ear bandage. The bandage is used to secure the dressing of the ear. Lay the outer surface of the bandage against the forehead and carry the bandage around the head in 2 circular turns. Head pe 2 circular turns lene ke baad इंजर्ड ईयर को बैंडेज करना है। पहले हम हेड पे 2 सर्कुलर टर्न्स लेंगे जो हमारा फोरहेड है, उसके बाद ही ईयर, इंजर्ड ईयर को बैंडेज करेंगे। कैरी द बैंडेज अराउंड द बैक ऑफ द हेड ऑफ द अनअफेक्टेड साइड एंड देन डाउन द नेप ऑफ द नेक। रिपीट द टर्न्स विद ईच टर्न बीइंग स्लाइटली हायर देन द प्रीवियस वन। ब्रिंग द बैंडेज स्लाइटली लोअर एज इट कवर्स द हेयर। Continue the turns until the whole ear on the affected side is covered and complete the bandage by 2 straight circular turns. और लास्ट में भी जब हम
कोई भी बैंडेज होने दो, स्टार्टिंग में 2 सर्कुलर टर्न्स लेने, लास्ट में 2 सर्कुलर टर्न्स लेने, उसके बाद ही सिक्योर करना है विद अ टेप। द बैंडेज कैन ऑल्सो बी टेकन अराउंड द फोरहेड विद ईच टर्न कवरिंग द ड्रेसिंग, दिस मे मेक अ हैवी बल्क अराउंड द हेड विच मे नॉट बी रियली नेसेसरी। तो कोई कोई केसेस में पहले ऐसा करा करते थे कि बैंडेज ईयर पे करने के बाद फिर एक टर्न लेते थे फोरहेड पे, फिर ईयर से जाके फिर एक टर्न, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैंडेज उसमें इस्तेमाल होगा। आप पहले एक सर्कुलर टर्न लेके, 2 सर्कुलर टर्न लेके फिर ईयर को कवर कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में 2 सर्कुलर टर्न लो, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इज आई बैंडेज। आई बैंडेज का भी वीडियो मैंने आपको भेजा है, एक बार उस वीडियो को देख लेना। ले द आउटर सर्फेस ऑफ द बैंडेज अराउंड द फोरहेड एंड टेक 2 सर्कुलर टर्न्स अराउंड द हेड बैंडेजिंग अवे फ्रॉम द इंजर्ड आई। इसमें भी पहले हमें फोरहेड को बैंडेज करना है 2 सर्कुलर टर्न्स में, उसके बाद इंजर्ड आई को बैंडेज करना है। ये भी एकदम उसी तरह है जैसे हम ईयर को बैंडेज करते हैं। जॉ बैंडेज में कुछ नहीं होता है। जॉ बैंडेज में अ नैरो स्ट्रिप ऑफ मटेरियल अराउंड 3.5 फीट लॉन्ग और नैरो फोल्ड ऑफ अ ट्राइंगुलर बैंडेज कैन बी यूज फॉर जॉ बैंडेज। बस इसमें क्या करना होता है कि बैंडेज को अंडर द चिन प्लेस करना होता है और उसे ऊपर की तरफ लाना होता है विद वन एंड लॉन्गर। कैरी द लॉन्गर एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर टू द टॉप ऑफ द हेड एंड अप टू द अपोजिट ईयर, और अपोजिट ईयर तक लेकर आना है। टेक द शॉर्टर एंड अबव द ईयर, टाई द एंड्स अबव द ईयर, और अबव द, और दोनों को लाकर ईयर के पास लाकर उसे टाई कर देना है। ट्राइंगुलर बैंडेज का भी मैंने वीडियो आपको भेजा है, उसमें बता रखा है कि कैसे ईयर बैंडेज भी कैसे ट्राइंगुलर बैंडेज से कर सकते हैं और जॉ बैंडेज भी कैसे कर सकते हैं। शोल्डर और स्पाइकर का भी मैंने आपको वीडियो भेजा है, उसमें ये है कि एक बार हम जो हमारा अपर आर्म रहता है उसके हेल्प सॉरी जो हमारा चेस्ट है उसके हेल्प से हम शोल्डर स्पाइकर करते हैं। प्लेस अ स्मॉल पैड ऑफ कॉटन इन द अफेक्टेड एक्सिला। पहले तो एक्सिला में एक कॉटन पैड रख देंगे, फिर उसके बाद टेक 3 to 4 inches ऑफ बैंडेज, 3 to 4 inch वाला बैंडेज लेंगे एंड फिक्स इट विथ स्पाइरल टर्न्स राउंड द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। टेक 2 or reverse spiral turns अराउंड द अपर आर्म अंटिल द बैंडेज रीचेस द पॉइंट ऑफ द शोल्डर। पहले हम अपर आर्म में स्पाइरल टर्न्स लेंगे, स्पाइरल टर्न्स लेने के बाद 2-3 reverse spiral turns लेंगे जब तक बैंडेज शोल्डर तक ना पहुँच जाए। फिर शोल्डर तक जब वो पहुँच जाएगा उसके बाद शोल्डर से लेकर उसको बैक पे लेके जाना है, बैक से फिर अपोजिट आर्मपिट से होते हुए चेस्ट से होते हुए वापस से शोल्डर पे लेकर आना है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द शोल्डर स्पाइका। रिपीट द टर्न्स अंटिल द होल शोल्डर इज कवर्ड। सिक्योर द बैंडेज यूजिंग अ पिन ओवर द इंजर्ड शोल्डर। थम स्पाइका में प्लेस द हैंड सो दैट द बैक ऑफ द थंप इज अपर मोस्ट। टेक 2 सर्कुलर टर्न्स अराउंड द wrist पे पहले 2 सर्कुलर टर्न्स लेना है। कैरी द बैंडेज ओवर द बैक ऑफ द थंप, फिर उसके बाद बैक ऑफ द थंप पे बैंडेज को लेकर जाना है। एनसर्कल द थंप विद 1 or 2 straight turns, एक और 2 straight turns से सर्कल करना है, एनसर्कल करना है थंब को, सो दैट द लोअर बॉर्डर ऑफ द बैंडेज इज लेवल विद द रूट ऑफ द नेल। कैरी द बैंडेज बैक ओवर द बैक ऑफ द हैंड अराउंड द wrist एंड रिपीट द फिगर ऑफ 8 turns राउंड द थंब, और फिर उसके बाद फिर से wrist पे लेकर जाना है और फिगर ऑफ 8 turns करने हैं। फिंगर बैंडेज with the hand pronated fix the bandage by 2 circular turns round the wrist. Carry the bandage obliquely over the back of the hand to the base of the finger to be bandaged. Take the head of the roll to the finger in order and start from the side of the little finger.
Take one spiral turn to the base of the finger and then cover the finger by simple spiral turns. जो हम सिंपल स्पायरल बैंडेज करते हैं वो ही हम फिंगर बैंडेज में कर सकते हैं. देन कैरी द बैंडेज अक्रॉस बैक टू द हैंड टू द व्रिस्ट एंड कंप्लीटेड विद टू स्ट्रेट टर्न्स अराउंड द व्रिस्ट. फिर सिंपल स्पायरल फिंगर की बात करने के बाद उसको व्रिस्ट तक लेके जाना है और व्रिस्ट पे दो स्पायरल करके वहीं पर ख़त्म कर देना है, दो सर्कुलर करके. सिक्योर द बैंडेज बाय सेफ्टी पिन और एडहेसिव टेप्स. If more than one finger is to be bandaged, take a turn round the wrist between each two fingers and continue as above until the bandage is complete. और अगर हमें टिप को भी कवर करना है तो 1-3 स्टेप्स तो वैसे ही रखेंगे. बस टेक द बैंडेज स्ट्रेट अप टू द बैक ऑफ द फिंगर एंड ओवर द मिडल ऑफ द टिप एंड डाउन टू द फ्रंट टू द लेवल ऑफ द सेकेंड जॉइंट. तो एक बार हमें बैंडेज से फिंगर को कवर करने के बाद ऊपर लेके जाना है बैंडेज को और बैंडेज को फिर नीचे लेकर आना है और उसके बाद फिर से उसको कवर करना है. ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ही दिखा सकती थी और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन लाइक दिस. स्पाइका ऑफ हिप हम जैसे हम शोल्डर का स्पाइका करते वैसे ही हिप का स्पाइका करेंगे. इसमें हम ट्रंक की हेल्प से करेंगे और तब हम चेस्ट की हेल्प से कर रहे थे, अब ट्रंक की हेल्प से करेंगे हिप का स्पाइका. देन स्पाइका ऑफ ग्रोइन बैंडेज, डबल स्पाइका ऑफ ग्रोइन बैंडेज. और फिर स्टम्प बैंडेज हम तब करते हैं जब कोई भी पार्ट कटा हुआ हो तो उस पार्ट को सिक्योर करने के लिए हम स्टम्प बैंडेज करते हैं. यूज़ अ 4-inch बैंडेज, मेक 2 सर्कुलर टर्न्स राउंड द लिम्प अबव द स्टम्प. तो स्टम्प से ऊपर 2 सर्कुलर टर्न्स बनाने हैं. उसके बाद प्लेस द एंड इन द सेंटर ऑफ द अपर साइड ऑफ द लिम्प एंड कैरी द बैंडेज ओवर द सेंटर ऑफ द स्टम्प टू द सेम लेवल बिहाइंड. Hold the turns at the back and in front with the thumb and the fingers to the other hand. Repeat the recurrent turns over and over the end of the stump first and on the stump on the left and right side of the original turns until the whole dressing is covered. Fix the loop with straight turns round the turns and cover the dressing completely. Secure it with safety pin or adhesive tape. फुट और एंकल बैंडेज का मैंने आपको वीडियो भेज दिया है. हील बैंडेज हम कैसे करते हैं, स्टार्ट टू सर्कुलर टर्न्स ऑन द सेंटर ऑफ द हील, कैरी इट राउंड द फुट बिलो द टिप ऑफ द हील. टिप ऑफ द हील इज वेल कवर्ड. ब्रिंग द बैंडेज ओवर द एंकल अराउंड द लेग बिलो एंड एंड देन अबव द प्रीवियस टर्न कवरिंग 1/3 ऑन आइदर साइड. Repeat the turns by covering 2/3 of the previous turn. Complete it by 2 circular turns above the ankle and secure it with pin or adhesive tape.